दोस्तों अभी आप 15 फाइनेंस कमीशन के हर एक स्कीम का वर्कआउट से ही आप उस स्कीम का सारे डिटेल्स जान सकते हैं, मतलब कि एक्टिविटी कोड से ही आप पता लगा सकते हैं कि उस स्कीम का एस्टिमेटेड कॉस्ट कितना था, एक्चुअल एक्सपेंडिचर क्या है, साथ ही कौन से स्टेज में है वो वर्क या फिर जियो टैग हुआ है या नहीं, ये सारे डिटेल्स आप उससे पता लगा सकते हैं सिर्फ एक क्लिक में। तो वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, वीडियो को पूरा देखिए। चैनल पर पहली बार हो तो इसको जरूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को जरूर दबाएं। चलिए देख लेते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहले हम ईग्राम स्वराज पोर्टल ओपन करेंगे और यहाँ पे हमें किसी भी लॉगिन की यूज करने की ज़रूरत नहीं है। हमें सिंपली नीचे की तरफ आके यहाँ पे प्लानिंग सेक्शन पे क्लिक करना है। इसके बाद फिर से हमें प्लानिंग ऑप्शन को चूज़ करना है और यहाँ पे देखिए आखिर में देखिए एक्टिविटी डिटेल रिपोर्ट ये न्यू फ्लैश हो रहा है, मतलब ये नया आया है ये रिपोर्ट, तो इस पर क्लिक कीजिए। और अभी सिंपली यहाँ पे कोई भी एक्टिविटी कोड लिखिए, मतलब कि कोई भी एक 15 फाइनेंस कमीशन का स्कीम का एक्टिविटी कोड यहाँ पे लिखिए और उसके बाद यहाँ पे जो कैप्चा कोड दिया गया है इस कैप्चा कोड को सही तरीके से यहाँ पे लिखना होगा आपको। उसके बाद देखिए गेट रिपोर्ट ऑप्शन है, यहाँ पे क्लिक करते ही देखिए यहाँ पे डिटेल्स आ जाएगा आपके सामने। देखिए एक्टिविटी डिटेल्स पे अगर क्लिक करते हैं तो एक्टिविटी आईडी मतलब कोड, एक्टिविटी नेम, एक्टिविटी डिस्क्रिप्शन, कौन सा टाइप का काम है ये, कौन से ईयर का काम है ये सब यहाँ पे दिखाई देगा, पंचायत का नाम कौन सा है ये भी यहाँ पे दिखाई देगा, साथ ही फोकस एरिया क्या है, एक्टिविटी कॉस्ट क्या है, ये सब डिटेल्स आपको यहाँ पे मिलेगा, मतलब टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट कितना है, कौन से एरिया में मतलब कौन से लोकेशन में ये वर्क होने वाला है या फिर हुआ है ये भी आप देख सकते हैं। उसके बाद फंड एलोकेशन में भी जाके आप देख सकते हैं कितना एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल हुआ है, टेक्निकल अप्रूवल में भी देख सकते हैं टोटल कितना अमाउंट टेक्निकल अप्रूव हुआ है, ये सब डिटेल्स यहाँ पे आप देख सकते हैं, कौन से डेट में टेक्निकल या फिर एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल हुआ है ये सब डिटेल्स आप देख सकते हैं। फिजिकल प्रोग्रेस डिटेल्स में अगर आप क्लिक करते हैं तो आपको स्कीम का नाम देखने को मिलेगा, कौन से एरिया में काम हो रहा है ये भी देखने को मिलेगा, काम अभी कौन सा स्टेज में है मतलब ड्यूरिंग स्टेज में है या फिर कंप्लीट हो चुका है ये डिटेल्स भी वर्क स्टेज में आप देख सकते हैं। साथ ही यहाँ पे देखिए जियो टैग यहाँ पे येस और नो लिखा आएगा, मतलब जियो टैग हुआ है या नहीं ये भी आप देख सकते हैं। तो दोस्तों इस तरीके से आप एक झटके में ही किसी भी एक्टिविटी कोड से पता लगा सकते हैं कि उस स्कीम का एक्चुअल बजट क्या है, कौन से एरिया में काम होने वाला है, काम अभी कौन से स्टेज में है, ये सारे डिटेल्स आप सिर्फ एक रिपोर्ट से ही जान सकते हैं। इसके लिए आपको किसी भी लॉगिन की यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो वीडियो को अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मिलते हैं मेरे अगले वीडियो में।